आपके जो जिस बैनर के तले आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, अभी धरना दे रहे हैं, तो इसके जो मुख्य संयोजक हैं मथुरा प्रसाद महतो, जेएमएम के विधायक हैं और खुद आंदोलन का पृष्ठभूमि से हैं, कई बार जेल गए, लंबा संघर्ष रहा है उनका, तो मुख्यमंत्री उनकी भी बात नहीं सुन रहे हैं क्या? मथुरा महतो जी के साथ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग 2 बार गए हैं, मांग पत्र भी दिए हैं, लेकिन शर्मनाक स्थिति हो जाता है कि अपना ही आदमी गद्दी में बैठा हुआ है लेकिन बात नहीं कर रहा है। मांग पत्र भी दिए हैं, एक बार वार्ता कर लेता। हम लोग तो कहे कि चीफ सेक्रेटरी को बुला लीजिए, होम सेक्रेटरी बुला लीजिए, फिनांस सेक्रेटरी को बुला लीजिए और हम लोग के साथ एक वार्ता करा लीजिए, वार्ता कर लीजिए, उसमें देखिए क्या गलती है और गलती उसको सुधार करके नोटिफिकेशन कर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन मथुरा बाबू विधानसभा में भी बात उठाए, इसके पहले सुदेश महतो भी बात उठाया और भी कई सदस्य, अभी इस बार भी कई सामान्य सदस्यों के द्वारा बात हुआ है, तो लोग भी कहे कि नहीं विधानसभा में हम लोग फिर बात उठाएंगे। जो सरकार है झारखंड में वो तो आंदोलनकारी पार्टी की ही सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही श्रेय जाता है कि आंदोलन किया था झारखंड के लिए, फिर भी आप लोगों को यहाँ धरना पे बैठना पड़ रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों धरने पे बैठे हैं? कहने के लिए तो ऐसा नहीं कि झारखंड अलग राज्य निर्माण के बाद में जो भी मुख्यमंत्री आए, मंत्री आए, विधायक आए, झारखंड आंदोलनकारी संवर्ग से ही आए और यहाँ के ही मैक्सिमम लोग सत्ता के संचालक हुए। लेकिन शर्मनाक स्थिति ये बना कि अपने लोग सत्ता में है तो चलिए यहाँ पर सत्ता में सारे व्यवस्था जो करने की बात है अपने लोगों के करेंगे, लेकिन जब इधर लगातार इधर 10 सालों तक 2010 तक भी बात नहीं, तो फिर आंदोलनकारियों का संगठन के माध्यम से बात उठने लगी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के संज्ञान में लिए और 2012 में आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन हुआ कि चलो आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का होगा, उसमें चिन्हितीकरण के साथ साथ में उनको जो सम्मान है, पेंशन है और बहुत सी व्यवस्थाओं का लाभ देगा, और उसमें संकल्प भी जारी किए थे कि आंदोलनकारियों को सम्मान राशि के साथ साथ में उनको इलाज की व्यवस्था और उनके आश्रितों का नियोजन देने का ये संकल्प भी जारी किए थे अर्जुन मुंडा के सरकार में, और चिन्हितीकरण का काम भी चल रहा था, तो हम लोग महसूस करते थे कि चलिए काम हो जाएगा, लेकिन ये काम इतना धीमी गति से है और बाद में हम लोग पूरा नियमावली को जब हम लोग देखें तो नियमावली में भी बहुत से इतना त्रुटियाँ हैं जिससे कि आंदोलनकारियों को विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है, ना आंदोलनकारियों को मिलने वाला, ना हमारा आंदोलनकारी के नेतृत्व करता हूँ जिनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिलने वाला है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस बात को समझे कि बहुत आंदोलनकारी संगठन भी बना, तो कभी जेएमएम का सरकार रहा तो जेएमएम का फोल्डर के लोग नेतृत्व करने लगे, कुछ भाजपा फोल्डर के रहे तो भाजपा फोल्डर के राजेंद्र महतो उसका नेतृत्व कर रहा था, तो उस तरह से हम लोग देखे कि इन 20 सालों में बात भी सही तरीका से सरकार तक भी नहीं ले जा रहा था, आंदोलन भी सही तरीका से नहीं हो रहा था, तब हम लोग महसूस किए, तब हम लोग आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना करके जो त्रुटियां हैं आंदोलनकारी आयोग का नियमावली में भी जो त्रुटियां हैं उस त्रुटियों में भी सुधार का हम लोग बात कर रहे हैं, जिससे कि पूरा आंदोलनकारियों का सही तरीके से चिन्हितीकरण हो जाए, उसका नाम गजट में प्रकाशित हो जाए और जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भी मिले, और साथ में भारत सरकार का गिरी कारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 1952 में जिसके तहत देश के फ्रीडम फाइटरों का चयन हुआ है, उसी के तहत उत्तराखंड में चयन हुआ, जेपी मूवमेंट में हुआ और हम लोग का भी चयन उसी धारा के तहत हो रहा है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहानी यहाँ पर यह बन गया है कि जिस अधिनियम के द्वारा अन्य राज्य के लोगों और देश के स्वतंत्र सेनानियों का भी चयन किया गया, उसमें आप देख लीजिए कि उन लोगों को क्या सुविधाएँ मिलती है, क्या व्यवस्थाएँ मिलती है, और झारखंड में जो नियमावली लोग अपने से बनाया है जिसमें कि उस तरह की सुविधाएँ और व्यवस्थाएँ से पूर्णतः लोगों को हटा दिया है, अब जेल जाने की मामला उस अधिनियम में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती लगा दिया कि 3 महीना 6 महीना 2 साल तक जेल जाने के बात है, और सम्मान में भी सम्मान राशि इस तरह से है कि जैसे वृद्धा पेंशन देने की बात हो रहा है, 3,000 रुपये कोई अमाउंट नहीं होता है, तो इस तरह से ये लोग का जो नियमावली बना गया है वही हम समझते हैं कि जो आंदोलनकारी विरोधी होंगे या जो झारखंड विरोधी हैं वही लोग नियमावली को बनाया कि ताकि आंदोलनकारियों को उसका लाभ और समुचित तरीके से नहीं मिल सके, इसलिए अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हम लोग से वार्ता करें और आप नियमावली में कुछ संशोधन की आवश्यकता है संशोधन करें और सम्मान भी देना तो सम्मानजनक तरीके से सम्मानित करिए। मुख्यमंत्री से क्या वार्ता की पेशकश की गई है, क्योंकि आज के अखबारों को अगर देखा जाए, आपके पास भी एक पेपर है, तो सभी पेज के मुख्य पृष्ठ पे तो विज्ञापन है बड़े बड़े कि आंदोलनकारियों को सम्मान दे रही है सरकार। जो सम्मान वही हम लोग कह रहे हैं कि सम्मान भी देना है तो सम्मानजनक तरीके से देना है, इसमें आप बताइए 3,000 रुपया सम्मान देता है और उसमें भी हमारे जो हम लोग साथ में लड़ने वाले निर्मल महतो हो, चाहे आपका सीपी तिर्की हो, चाहे देवेंद्र मांझी हो, चाहे और शक्तिनाथ महतो, बहुत से लोग हम लोग का, चाहे जोसेफ लुंगुम, कई लोग मारे गए, किसी को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसमें लिखे उसमें कर दिया है नियमावली में कि जो पुलिस का गोली से मरेगा उसको शहीद का दर्जा देंगे, इस तरह से कितना जो यहाँ नियमावली है उसमें त्रुटियाँ हैं, हम लोग से वार्ता करें, उन सब त्रुटियाँ दूर करें और सम्मान भी देना है, तो गृह कारा प्रबंधन में जो अधिनियम है उसका आप देखिए कि उसमें किस तरह से
भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को जो आप सम्मान राशि देते हैं, क्या राशि है? आप उत्तराखंड में देते हैं सम्मान राशि क्या है? आप देख लीजिए, कहीं वहाँ जेल जाने की बात नहीं है, ना स्वतंत्रता सेनानियों में है, ना उत्तराखंड में है। तो झारखंड के आंदोलनकारियों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भैया जो अधिनियम है वो अधिनियम में आप लोग तोड़ मड़ोड़ करके इस तरह से नियम बना दीजिएगा कि यहाँ के लोगों को लाभ ही नहीं मिले, आंदोलनकारियों को लाभ ना मिले, तो ऐसा नियम के हिसाब से चलेगा तो हम लोग इसको नहीं मानेंगे और इसी के खिलाफ में हम लोग अभी आंदोलन कर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री दिखाना चाहते हैं ये एडवर्टाइज के माध्यम से, आप वार्ता करने में उनको क्या दिक्कत है? कहीं पर गड़बड़ी है तो ठीक करें, और ठीक करके आंदोलनकारियों को अगर लाभ देने की मानसिकता है तो लाभ दे सम्मानजनक तरीके से।